तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए। मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बचियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बचियां दरियाए जेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान अल इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो, अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाउद्दीन अयूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता, इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखे तो उनका बच्चियों सबर करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनो का को, फरमाया निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है। पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, मामा तो खत वो नहीं लिख सकता, खत वो लिख सकता है जो 17 साल का हो और सिंध के साहिल पर एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां आ जाता। कैद कराने के बाद खत भी कोई ना लिख सके और फिर हमें कहें कि मौलाना नरम बात करो, नरम बात करो, बच्चियां तो लोग बेचते ही रहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ने वाले उठ, अपने हरम की हिफाजत कर, मुसलमानों की हिफाजत कर, अपने दीन की हिफाजत कर, अपने नबी की नामूस की हिफाजत कर, उठ। अब हाथ खाबे कराओ, खाबे कराओ, खाबे कराओ, खाबे कराओ।